एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस व्हिच इज कटिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो ओरिजिन, सॉरी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। To the left of origin, with slope minus 2. तो बेटा उन्होंने अगर मैं जन रफ फिगर बनाऊं तो ये ऐसी लाइन है जिसकी स्लोप कुछ माइनस टू है एंड इट कट्स एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, यानी ये 3 यूनिट्स है। अगर ये 3 यूनिट्स है इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू एज इट इज डायरेक्शनल, अगर ये राइट साइड पे काटा होता तो प्लस 3 लेते, लेकिन अभी हमें माइनस 3 लेना पड़ेगा। स्लोप की वैल्यू मुझे दे रखी है माइनस 2, सो डायरेक्ट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d, तो y इज इक्वल टू m, m था माइनस 2, x माइनस d, तो d की वैल्यू जब माइनस 3 डालेंगे तो बन जाएगा x प्लस 3, सो ये बना क्या y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6, तो बना 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 6। This is the equation of required line. Similarly, अगर मैं question number 6 को देखूं, तो वो भी इसी concept के ऊपर based है। उन्होंने बोला find equation of line intersecting y-axis at a distance of 2 units below origin. And making an angle of 30 degree with x-axis. तो फिर से वही बात हो गई, अगर मैं रफ फिगर बनाऊं तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है x-axis के साथ और जो y-axis को काट रही है तो 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन काट रही है। तो बेटा जी अगर वो y एक्सिस पे कटिंग की बात करता है तो हमें y इंटरसेप्ट मिल गया। अब क्योंकि ये बिलो ओरिजिन है इसलिए हम इसे माइनस 2 यूनिट्स लेंगे। हाँ जी ऑल राइट, तो अगर ये अबव है तो फिर ये पॉजिटिव लेंगे, बस इतना ही फर्क है, तो फिर फिगर भी चेंज रहेगी। ठीक है, रफ फिगर भी अबव के हिसाब से बनेगी। तो इन दैट केस कुछ ऐसा हो रहा है कि ये लाइन कट गई ऐसे, ये थीटा 30 डिग्री दे रखा है आपको और ये डिस्टेंस जो वाई एक्सिस के ऊपर कट है वो 2 यूनिट्स, इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट प्लस 2 यूनिट्स, थीटा दिया है तो उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं tan 30, tan 30 की वैल्यू होगी जी 1/√3, तो मुझे स्लोप मिल गई, मुझे y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू मिल गई 2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्टली लिख सकते हो y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू 1/√3x प्लस c, तो आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बनेगा रूट थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2√3, तो वाई वाली टर्म इधर 2√3 इधर, तो माइनस 2√3 इज इक्वल टू एक्स माइनस √3 वाई,
सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. नोट कर लेंगे जी, कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज. थैंक यू.